लोकसभा के आखिरी चरण के लिए वोटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी है और आखिरी चरण में 57 सीटों पर मतदान चल रहा है। सभी 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और यूपी की 13, बिहार की 8 सीटों पर मतदान चल रहा है, पंजाब की सभी 13 सीटों पर एक साथ वोटिंग, हिमाचल की 4, चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान हो रहा है, झारखंड की 3, और वहीं आपको बता दें कि ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान जारी, पश्चिम बंगाल की भी 9 सीटों पर मतदान चल रहा है। बिल्कुल, और लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से 57 सीटों का यह रण है और इस पर क्या कुछ अपडेट है इस बीच को लेकर। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गई है, सूरज कुमार मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी के साथ लवकेश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास से आते हुए लवकेश पांडे, वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, क्या कुछ मतदान क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है और लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? लवकेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लवकेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। ईशा आपके पास आते हुए, ईशा चंडीगढ़ में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है मतदान केंद्रों पर, क्या कुछ व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं और मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ में भी आज आखिरी चरण में मतदान हो रहा है और ठीक अभी अंदर गए हैं चंडीगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं संजय टंडन, और देखिए सेक्टर 18 में हमारी मौजूदगी है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल है ये, सरकारी स्कूल, और यहीं पर मतदान करने पहुंचे हैं संजय टंडन, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अपने परिवार के साथ मत का प्रयोग करने यहां पर पहुंचे हैं। और अगर हम मतदाताओं की बात करें तो आप देखिए कि एक एक करके यहां से मतदान के लिए जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं इस मतदान केंद्र में। कुल मिलाकर 614 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं, हर तरह की व्यवस्था यहां पर की गई है और 614 में से 58 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर इस तरीके की रेड कारपेट बिछाई गई है ताकि जो मतदाता हैं उन्हें आकर्षित किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि 6 चरणों के जो मतदान हुए हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा 2014 और 19 की तुलना में गिरा है, लेकिन इस बार वोटरों को रुझाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी है, 45 पार यहाँ पर जो तापमान है वो कर चुका है और यही वजह है कि किसी तरीके से जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आए, इसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी किया गया है ताकि चुनाव से संबंधित जो भी सूचना मतदाता ने लेनी हो वो ले सकते हैं। और आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं हेल्प डेस्क यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर मदद भी की जा रही है। सर, किस तरीके से मदद कर रहे हैं आप? मैम, किसी भी वोटर को अगर किसी भी तरह की स्लिप अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हमसे यहाँ पर डिस्कस कर सकता है, हमसे बात कर सकता है, हम उसको गाइड करते हैं। अच्छा, क्या क्या देखा जा रहा है मतदान देने के लिए, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज? 13 तरह के है जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए हैं, किसी भी तरह का आईडी प्रूफ हो सकता है, चाहे वोटर कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, जहाँ पे आपके फोटोग्राफ है, और साथ में एक स्लिप चाहिए, वो हम भी इशू कर रहे हैं और घर होम टू होम हमने दिया भी है। देखिए आप पीछे भी देख सकते हैं जिस तरीके से गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और पंखे की एसी की यहाँ पर वोटर कूलर की व्यवस्था की गई है, और वेटिंग एरिया आप देखिए यहाँ पर किसी तरीके की इस गर्मी में दिक्कत ना आए, वेटिंग एरिया रेस्ट रूम भी यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से यहाँ पर बनाया गया है। एक एक करके जो मतदाता हैं वो बाहर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। सर, आज मतदान आपने क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन बातों को ध्यान पे रखते हैं मतदान किया? कैंडिडेट को देख के एंड बीजेपी और या कांग्रेस को वहाँ पे देख के, प्राइम मिनिस्टर को देख कर। मुद्दे क्या हैं, लगता है 10 सालों में विकास हुआ है? हाँ हुआ है, बहुत हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं कर सका अब तक। विपक्ष कह रहा है कि धर्म के आधार पर बांटने का काम किया है, विकास के मुद्दों पर ये चुनाव नहीं लड़ा गया है, आप कैसे देखते हैं? पूरे ओवरऑल इंडिया के अकॉर्डिंगली देख रही हूँ मैं, जो भी है प्राइम मिनिस्टर ओवरऑल इंडिया के हिसाब से देखना, अपना अपना नहीं सोचना है यहाँ पे। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान पे रखते हैं मतदान किया है आपने? बस जो भी है जी कर दिया, उसमें क्या विकास मुद्दा है? हाँ विकास ठीक है, मोदी सरकार ने काम काज किया है लगता है आपको? हाँ, काम काज तो किया ही है जी, बिल्कुल विकास तो हुआ। देखिए वोट देखिए यहाँ पर पहुँचे हैं और भी हम आपको तस्वीरें यहाँ पर साझा करेंगे, जो मतदाता हैं यहाँ पर परिवार सहित भी पहुँच रहे हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट किया है आज? हमने अपने
हर चीज़ को देखते हुए हमारे जो अधिकार हैं वो सेफ रहे, हमारी सुरक्षा रहे, उस चीज़ों को देखते हुए और हमारी जो सुविधाएं हैं उनको ठीक से रखा जाए, उस चीज़ को देखते हुए। बिल्कुल ईशा लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल ईशा लौटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ईशा, पल पल का आपसे अपडेट लेंगे आपके क्षेत्र का। और सूरज कुमार हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हुए। सूरज, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जिस पोलिंग बूथ पर इस वक्त मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, मतदाताओं में कितना ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है? क्षेत्र का अपने जनपद के जो प्रतिनिधि खड़े हैं उनकी चयन करेंगे और सुबह का मौसम है, काफी सुहाना भी है इसमें, तो ऐसे में आप देख रही हैं कि हमारे पीछे लाइन में कतारबद्ध महिलाएं और पुरुष अलग अलग लाइनें में खड़े हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं बारी बारी से। तो जिस प्रकार से आज देखेंगे जनपद में आज सुबह कुछ मौसम का भी मिजाज कुछ अलग बदला हुआ है, जिसके कारण काफी अधिक संख्या में सुबह ही मतदाता निकल गए हैं। 1352 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें कुल 2143 बूथ हैं, ऐसे पूरे जनपद बनाए गए हैं। देख रहे हैं हमारे पीछे अपनी बारी से बारी बारी के इंतजार करके लोग लाइन में लग कर जा रहे हैं। तो हम अगर कहेंगे तो हम बात भी करना चाहेंगे, जो विकास है, जो शिक्षा है, जो रोजगार है, उस पर आज यहाँ वोट पड़ रहे हैं, मत पड़ रहे हैं सुबह से ही। तो हमारे साथ देखेंगे आज पीछे महिलाएं भी जागरूक हैं, कहीं ना कहीं अपने मत का सही इस्तेमाल कर रही हैं, तो पुरुष भी उधर लाइन में लगे हैं कतारबद्ध। तो इस प्रकार से यहाँ आज सुबह 7 बजे से ही अपने मत का प्रयोग लोग कर रहे हैं जी। और तस्वीरें भी हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, किस तरीके से महिलाओं में उत्साह देखने को मिले, जरा बात करिए क्या कुछ कहना है उनका जी। महिलाओं से बात भी करना चाहेंगे, जिस प्रकार से उनका आज मत पड़ रहा है तो क्या उनके मन में है, क्या आज आप लोगों का वोट देने आई है, तो क्या विकास, क्या आपका मुद्दा है, क्या मुद्दा है भैया? यही मुद्दा है जो मोदी जी चला रहे हैं, वही मुद्दे पर हैं हम लोग, और क्या चाहिए। तो ऐसे क्या क्या कहेंगे आप लोग मत डालने जा रही हैं, तो क्या मन में है, क्या विकास योजना है, क्या है आप लोगों के मन में? अरे भैया जब सब कुछ हो सब हो और का हो, तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो जो जागरूक है, क्या आज मत पड़ रहे हैं, तो क्या आपके मन में है, क्या हम लोग चाहते हैं कि बस मोदी जी ही जीते, बहुत विकास करें और करेंगे। तो ऐसा क्या आप देखी है कि जो मोदी जी ही करें और भी? अरे मोदी जी बहुत काम कर लिए हैं, देश का इतना विकास करे हैं, हर एक क्या बताए। तो आप देख रही हैं कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं काफी जागरूक हैं, अपने मत का सही इस्तेमाल कर रही हैं, कहाँ किसको देना है, अपना चुनाव स्वयं कर रही हैं महिलाएं। तो इस प्रकार से यहाँ जागरूकता फैलाई भी गई है, जागरूकता भी है लोगों में। और तस्वीरें साफ जाहिर करते हैं किस तरीके से महिलाएं जो है बेहद उत्साहित नजर आ रही है, उनके अलग मुद्दे हैं और उन मुद्दों को उठाते हुए मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। हमारे साथ अखिलेश कुमार भी बलिया से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बेशक आपको बता दें, मतदाताओं में काफी उत्साहित है और हमारे साथ एक मतदाता है, आइए इनसे बात करते हैं। कितना उत्साह है लेके आप? बहुत उत्साह है, हमने अभी अभी मतदान किया है और बड़ा ही व्यवस्थित ढंग से मतदान हो रहा है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार भी लोग बढ़ चढ़ के वोट दे रहे हैं पिछली बार की तरह, और हम सबसे अपील करते हैं कि आप आइए घरों से निकल के और शत प्रतिशत मतदान करिए। किस मुद्दे पे? निश्चित रूप से देश को सुरक्षित देखना चाहते हैं सभी लोग और देश को सशक्त बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्र हित के मुद्दे पे मतदान पड़ रहा है। बेशक आपको बता दें कि यहाँ 25 लाख मतदाता है, जो 72 लोकसभा में 19,25,000 मतदाता है और सलेमपुर में पलिया के 3 विधानसभाएं पड़ती हैं और एक विधानसभा घोसी में पड़ता है। और एक तरह से देखा जाए तो 2014 और 19 में यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन 2019 में सनातन पांडे और बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त ने काफी कड़े टक्कर देखी जाएगी, सिर्फ लगभग 13,000 वोटों से सनातन पांडे यहां से हारे। और इस बार इंडिया गठबंधन के सनातन पांडे प्रत्याशी हैं, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री नीरज शेखर यहां मैदान में हैं। देखना यह होगा कि अब 4 जून को ये मत किसके पक्ष में जाता है। ठीक है अखिलेश। और हमारे साथ ईशा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है चंडीगढ़ से। तो ईशा, लगातार हम आपकी तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पीछे ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में ताजा स्थिति को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी? और आप कुछ मतदाताओं से भी बातचीत कर रही थी, उस बातचीत को भी जारी रखें।
बिल्कुल, देखिए मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं चुनाव का पर्व, ये जो सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर संजय टंडन मौजूद हैं जो इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और बीजेपी के यहाँ पर उम्मीदवार हैं और यहाँ पर मेरे साथ मतदाता भी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख के आज वोट दिया है? हमने की जो सरकार को अच्छे ठीक ढंग से चला रहे हैं उन मुद्दों को ध्यान से रखते हुए वोट डाली है। महंगाई बेरोजगारी आपको लगता है मुद्दे यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देश का विकास हुआ? हाँ जी बिल्कुल हुआ। आपको लगता है मोदी सरकार ने 10 साल में विकास किया? बहुत ज्यादा किया जी। सर आप बताएं किन मुद्दों को ध्यान में रख के आज वोट कास्ट किया? जय श्री राम, दैट्स ऑल। लेकिन विपक्ष कहता है कि राम, श्री राम का नाम लेके धर्म के नाम पर बांटने का काम कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है। कौन कह रहा है? वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, उनके कौन क्या क्या सुनेंगे हम लोग। तो श्री राम लल्ला को ही ध्यान में रख के आपने वोट किया? आप बताए श्री राम जी को ध्यान में रखे किया है और जो उन्होंने किया है देश के लिए उनके लिए भी किया हमने। और क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखा है आपने? उन्होंने बहुत कुछ किया है, कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, सब कुछ किया है उन्होंने, रोड्स, ये एयरपोर्ट, सारे इतनी चीजें की हैं। और फिर हमारी इकोनॉमी भी पहले से अच्छी है तो इसलिए। इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बढ़ी है, महिलाएँ ज़्यादा चूस रही हैं, पर आप कभी देखते हो पहले जो है लेबर्स के पास कुछ भी नहीं होता था, आज हर घर में टीवी है और फ्रिज है, हर घर अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, मगर पहले ऐसा कुछ नहीं था। इन 10 सालों में बहुत कुछ हुआ है जी। बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं खास तौर से बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश की थी, अयोध्या को लेकर जिस तरीके से चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, हमेशा ही उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अयोध्या में श्री राम को बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि यहीं पर हम मंदिर बनाएंगे और कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो श्री राम लल्ला के मंदिर को वो तोड़ देंगे और दोबारा टेंट में जाना पड़ेगा। और इसके साथ ही आपको एक बार मैं तस्वीर बाहर की दिखाना चाहूंगी और यहाँ पर देखिए संजय टंडन यहाँ पर मौजूद हैं और सेल्फी पॉइंट में अपने परिवार के साथ चुनाव चिन्ह यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त हैं। इनका कहना है कि एनडीए 400 पार कर जाएगी और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर इनकी जीत जरूर होगी। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मतदाताओं के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनको कोई दिक्कत ना आए, हर व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है, एनएसएस वालों को भी यहाँ पर लगाया गया है, किस तरीके से मदद कर रहे हैं मतदाताओं की? हम उनकी हेल्प कर रहे हैं एज अ व्हील चेयर, कोई ओल्ड पर्सन को हेल्प कर रहे हैं कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और मतलब सबकी हेल्प कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि कैसे, जिनको नहीं पता जो न्यू है उन्हें बता रहे हैं कि कैसे वोट करना है। बिल्कुल, देखिए हर तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की है और जिस तरीके से मैं जिक्र भी कर रही थी कि रेड कार्पेट 58 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर इस तरीके से लगाए गए हैं ताकि आकर्षित किया जाए मतदाताओं को, क्यों भीषण गर्मी यहाँ पर है, तापमान 45 के पार है और ये मतदान केंद्र हैं जहाँ पर मेरी मौजूदगी है। हेल्प डेस्क यहाँ पर लगाया गया है ताकि यहाँ पर जो मतदाता पहुँच रहे हैं उनकी मदद पूरी तरीके से किया जाए। मतदान प्रतिशत हमने देखा है 6 चरण के जो चुनाव हुए हैं बहुत ज्यादा गिरा है और ऐसे में उसको लेकर ध्यान में रख के हर चीज की व्यवस्था की है। किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट कास्ट किया? मैंने तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए किया है कि उनको वो मिलना चाहिए जो मतलब चाहते हैं बच्चे, डॉक्टर्स के लिए आजकल मतलब उनकी सुननी चाहिए डॉक्टर्स की। बिल्कुल मैम, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया? मैंने इसलिए किया है कि हमारा देश भी दूसरे देशों की तरह आगे जाए। मुझे ये है कि हमारे देश में भी हर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्व हो जल्दी से जल्दी, लोगों की बातें सुनी जाएं, मांगे मानी जाएं, ये नहीं है कि अपने घर भरी जाओ और लोगों की सुने ही ना। इस वजह से मुझे ये है कि जो मुझे अच्छा कैंडिडेट लगा तो मैंने उसके लिए वोट किया कि वो दूसरों की भी सुनेगा। 10 साल में लगा चंडीगढ़ का विकास? हाँ जी, बहुत फर्क पड़ा है, देश आगे बढ़ा है, बिल्कुल देश तो आगे जा ही रहा है जी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो मतदाता हैं लगातार पहुँच रहे हैं और एक बार मैं संजय टंडन जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके परिवार की तस्वीर साझा करना चाहूंगी और आप यहाँ पर देखिए चुनाव चिन्ह यहाँ पर दिखाया जा रहा है उनके परिवार की तरफ से
और ये संजय टंडन जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं चंडीगढ़ से, उनके परिवार को आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मतदान देने यहाँ पर पहुंचा है। इन तस्वीरों में आप देखिए चुनाव चिन्ह यहाँ पर देते हुए, और एक अपील यहाँ पर वोटरों से की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो अपने घरों से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें। तो ये तस्वीरें हम चंडीगढ़ की आपसे साझा कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार जो मतदाता हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैम, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट कास्ट करें? जो अभी तक जितनी उन्नति हुई है, और हम चाहते हैं देश की और इससे ज़्यादा उन्नति हो। महंगाई मुद्दा मानती हैं आप? महंगाई है तो हर जगह है, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, इसमें तो क्या किया जा सकता है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां कह रही हैं कि महिलाएं ज़्यादा जूझ रही हैं महंगाई से। नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाएं तो क्या है, वो सभी जूझ रहे हैं, पुरुष भी जूझ रहे हैं, पुरुष ही तो कमाने वाले हैं ज़्यादा। विकास हुआ है 10 साल? बहुत बहुत ज़्यादा विकास तो हर तरफ दिखता ही है। वो तो श्री राम जी को भी ध्यान में रखें। मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। आपके पास आते हुए सूरज, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? भीषण गर्मी को देखते हुए लगातार हमने देखा वोटिंग परसेंटेज में गिरावट दर्ज की गई पिछले 6 चरण में, तो इस बार किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें? जी, जैसे कि आज का कुछ मौसम भी जनपद मिर्जापुर में सुहाना है। आज धूप कम है, बादल सुबह से ही आज घेरे हुए हैं, और सुबह से ही आज देख रहे हैं कि मताधिकार का प्रयोग करने के लिए महिलाएं जो धूप में ना आना पड़े और कहीं धूप का सामना ना करना पड़े, इसलिए सुबह ही पहले ही मॉर्निंग समय में अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। और ये जनपद मिर्जापुर का जो सीट है, 5 विधानसभा वाला सीट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विधानसभा पहुंचाने के लिए ये जनपद मिर्जापुर की सीट 5 विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए जो यहाँ पे विकलांग आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है, और उनको कोई समस्या न हो, पोलिंग पार्टी जो है अलग से अपने वोटरों को भी ध्यान दे रहे हैं, कोई समस्या न हो, और कोई विकलांग है तो उनको अलग से ले जाने के लिए सारा व्यवस्था भी की गई है। तो आप देख रहे हैं कि धूप में कहीं महिलाओं या पुरुषों को सामना ना करना पड़े, इसलिए सुबह से ही मताधिकार अपना प्रयोग चालू है। और जिस प्रकार देख रहे हैं, देखिए आप तो पीछे पुरुषों का भी लाइन काफी अधिक संख्या में दिख रहा है, जो सुबह आज सुबह से ही बादल छाया हुआ है, जो आज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गर्मी का सामना भी कम करना पड़े। ये माँ विंध्यवासिनी का नगरी है, जनपद मिर्जापुर विंध्याचल का पोलिंग बूथ है, तो अभी ये एक पोलिंग बूथ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे 1352 लगभग पोलिंग बूथ है और जो 2193 ऐसे लगभग बनाए गए हैं। तो ये पूरे जनपद मिर्जापुर के 5 विधानसभा वाला सीट में आज मताधिकार का अपने प्रयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो सुबह से ही विकास, शिक्षा, रोजगार पे जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकली हैं। और जनपद मिर्जापुर की विकास हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी भी महिलाएं हमसे मिली आज सुबह, जो उनसे भी जानने का प्रयास भी किया गया, तो वो अपने से ही जागरूक हैं, उनको किसी प्रकार की घर में भी कोई किसी को सलाह नहीं लेना पड़ रहा है, तो किसको वोट देना है, क्या करना है, तो वह खुद ही अपने मताधिकार का प्रयोग सही जगह, सही विकासवाद नेता की तरफ कर रही है अपना। ठीक है, हमारे साथ बलिया से अखिलेश कुमार भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। अखिलेश, बलिया में लगभग अभी तक किस तरह से मतदान चल रहा है? मतदाता यहाँ पर कितने ज्यादा उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं? और हम चाहेंगे कि वहाँ के भी मतदाताओं से बातचीत करके जानने का प्रयास करिए कि कौन कौन से मुद्दे उन पर हावी। जी बेशक, आपको बता दें 2606 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और हर मतदान केंद्र पे मौसम भी इस समय सुहाना हो चुका है। हर चुनाव की अपेक्षा इस बार जो बलिया में मौसम है, इस समय सुहाना, और काफी मतदाता घर से बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं, और काफी मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदाताओं का सीधा कहना है कि जिस तरह का हम विकास और बलिया का, क्योंकि बलिया ऐसा जिला है पूर्वांचल का जब से सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है बलिया को, तो हमें सीधा विकास के मुद्दे पे वोट करना है, और मतदाताओं में एक तरह का उत्साह देख रहे हैं, राष्ट्रवाद भी बड़ा मुद्दा हो रहा है। जी तो तमाम ये मुद्दे हैं जो हावी होते नजर आ रहे हैं वहां पर। आपके आसपास कोई मतदाता है तो उनसे जरा बातचीत कीजिए, क्या कुछ उनका कहना है इस आखिरी चरण को लेकर?
चलिए कोई नहीं अखिलेश, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं तमाम मतदाता। चंडीगढ़ से ईशा हमारे से जुड़ी, एक बार फिर से ईशा आपके पास आते हुए, देखिए ईशा चंडीगढ़ की जो सीट है जिस पर मतदान किया जा रहा है, यहाँ पर बीजेपी के लिए इस बार जो है एक महासंग्राम वाली स्थिति है, बीजेपी किस स्थिति में आपको नजर आ रही है और विपक्ष का क्या कुछ रोल देखने को मिल रहा है? देश की जनता माननीय मोदी जी पर विश्वास करके मोदी जी की नौकरी लड़ रही है और कहीं लड़ाई नहीं है। जो मोदी जी ने वादा किया था वो जनता के लिए काम किया। फिर आगे आने वाले दिनों में जो बिजली से लोग परेशान हैं उनको फ्री बिजली दी जाएगी। जो लोकसभा राज्यसभा से महिलाओं के लिए 35% लोग राजनीति में आरक्षण मिला है उसको लागू किया जाए। अच्छा मंत्री जी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन को पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जो निर्दलीय लड़ रहा है वो भी तो जीतने की गारंटी दे रहा है और ये सब विपक्ष के लोग जितने लोग हैं ये सब दबे हुए कारतूस हैं। लंबे समय तक शासन करके जनता को धोखा दिए, गरीब कमजोर वंचित गली गली तक सबको धोखा दिए गए। तो ये एक समय था उनके साथ लोग थे जिसकी जनता थी विश्वास करती, लेकिन आज विश्वास उन लोगों ने खो दिया है सत्ता में रह करके। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि NDA जो है 4 तारीख को टूट जाएगा और तमाम NDA के घटक दल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन शामिल रहेंगे, इसको किस रूप में देखते हैं? उनको पता है कि उनका गठबंधन चुनाव के बाद 1 तारीख के बाद ही आज के बाद कल से टूटना शुरू हो जाएगा, 4 को एकदम बिखर जाएगा। लगभग सुना ओम प्रकाश राजभर को भाजपा की से घोसी सीट्स पर अपने सहयोगी सुभाष सपा के OP राजभर को आपने सुना, जहां उनके बेटे घोसी चुनावी मैदान में है, क्या कुछ उनका कहना था आपने सुना। इस बीच एक बार ईशा आपके पास वापस लौटेंगे, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए 2014 से 2019 की बात करें तो दोनों ही लोकसभा चुनाव में किरण खेर बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी थी और कांग्रेस के पवन कुमार बंसल को यहां पर करारी शिकस्त उनकी तरफ से दी गई थी और बीजेपी इस हैट्रिक यहां पर इस चुनाव में लगाना चाहती है, लेकिन इस बार किरण खेर की टिकट यहां से काटी गई। संजय टंडन जो कि उनके उन पर रिकॉर्ड है कि वो चंडीगढ़ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय तक रहे, 2014 में भी टिकट मांगी थी उन्होंने, 2019 में भी नहीं दी गई, लेकिन इस बार उन्हें टिकट यहां पर दी गई है और चुनावी मैदान में। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मनीष तिवारी यहां पर चुनाव मैदान में है, पवन कुमार बंसल की टिकट काटी गई है, लेकिन अगर हम मनीष तिवारी की बात करें लुधियाना में उनकी वोट है और लुधियाना ही वो वोट देने जाएंगे, लेकिन चुनाव चंडीगढ़ से लड़ रहे हैं। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से मौजूदा सांसद हैं, ऐसे में तंज भी यहां पर बीजेपी उन पर लगातार कस रही है कि 2009 में उन्होंने लुधियाना से लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद 2019 में श्री आनंदपुर साहिब से चुनाव लड़ा और अब 2024 में वो चंडीगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वो अपना लोकसभा क्षेत्र लगातार बदल रहे हैं और जिन क्षेत्र से उन्हें जीत भी दर्ज की जाती है वहां की वो अनदेखी करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट मनीष तिवारी का नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर देखिए इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में है, आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, कांग्रेस को वो समर्थन दे रही है, वो कितना समर्थन देती है इस चुनाव में नतीजों में ये साफ झलक जाएगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन बीजेपी अपनी जीत को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रही है और श्री राम के मुद्दे पर को भी यहाँ पर भुनाने की पुरजोर से कोशिश की गई। स्टार प्रचारक के तौर पर जो प्रमुख नाम चंडीगढ़ में पहुंचे उसमें सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और उनका यही कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस नारे के साथ आप मतदान केंद्र में पहुंचे और मत का प्रयोग करें। तो एक साथ उन्होंने चंडीगढ़ को भी साधा था और पंजाब को भी, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके की कानून व्यवस्था है वो किसी से छिपी नहीं है और माफिया राज को अगर खत्म करना हो तो वो 48 घंटे में किया जा सकता है, इस तरीके की चुनावी रैली मोहाली में करते नजर आए थे योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ गोरखपुर से संकट मोचन भी जुड़ चुके हैं उनका रुख करते हुए। संकट मोचन, गोरखपुर में इस वक्त मतदाताओं में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, कितनी खुशनुमा तस्वीरें मतदान केंद्र से साझा करना चाहेंगे? आपको बताना चाहेंगे कि सुबह मतदाताओं का जो है कि लाइन लगा हुआ है और जो है कि एक दूसरे मतलब यहाँ बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा ले रहे हैं,
कि कहीं जो है कि हमारा जो है कि मत छूट ना जाए, क्योंकि देखी जाए अगर बात किया जाए जो चिड़चिड़ाती गर्मी को लेकर के यहाँ पे उसको भी मतदाता जागरूक है कि हम सुबह मतदान करके अपने घर चले आए, क्योंकि अभी तेज धूप हो जाएगी हम जा नहीं पाएंगे। और जो है यहाँ पे लोग जो है सुबह से ही लाइन लगा करके खड़े हैं और एक मतलब जा भी रहे हैं मतदान करने के लिए। यहाँ पे किसी प्रकार के जो है कि कोई कोताही नहीं बरती गई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात किया जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की भी पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। बिल्कुल जी। संकट मोचन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमेशा से ही सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है और गोरक्षपीठ ही यहाँ पे जीत या हार तय करते हैं, ऐसे में मुकाबला कितना कड़ा और कितना बड़ा देख पा रहे हैं? देखिए मुकाबला जो है कि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मुकाबला यहाँ पे ये टाइट है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा जो कि लड़ाई है दिलचस्प होती है, लेकिन अगर बात किया जाए तो ये बीजेपी की सीट होती है। यहाँ पे एक बात करने के लिए जो कि मुख्यमंत्री से जो है कि लोग बहुत कड़ा मशक्कत करना पड़ता है। इसके पहले अगर बात किया तो मनोज तिवारी और भी कई स्टार आए थे अन्य पार्टी से लड़ने, लेकिन यहाँ पे चुनाव का हार का सामना ही करना पड़ा। और यहाँ से जो है कि कोई जीतता है तो जो है कि यहाँ मंदिर से संबंधित ही लोग जीतते हैं, बिना जब तक मंदिर का जो है कि हाथ नहीं होता है तो उसमें यहाँ से इस सीट को जीत पाना नामुमकिन होता है। जी बिल्कुल। और ये प्रतिष्ठा की सीट मानी जा रही, कहा जा रहा है कि एक नया कीर्तिमान स्थापित यहाँ पर रवि किशन करते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े, तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।